और बात करेंगे नोएडा की, जहां पर चेकिंग के दौरान बिसरख थाना पुलिस की तीन बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। ये बदमाश कैब बुक करके यहां पर लॉक तोड़कर गाड़ियों की चोरी करते थे। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं इसके दो साथी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी लगातार तलाश जारी है। आज थाना बिसरख के पास एक इनपुट था कि कुछ क्रिमिनल्स इस एरिया में एक्टिव हैं, जिसको लेकर इवनिंग से ही चेकिंग अभियान शुरू किया गया था। इसमें कुछ बाइक राइडर्स दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो पिकेट तोड़कर भागे, जिसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ एक बाइक सवार को अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं, उसमें यह ज्ञात हुआ है कि यह थाना बिसरख से वांछित चल रहा था। इसका नाम दीपक है,